सो कैरी मिनाटी, जिनका रियल नेम है अजय नागर, नॉट अजय नगर, का जन्म 12 जून 1999 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। कैरी के अलावा उनके परिवार में मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है जिनका नेम यश है, जो कि एक गिटारिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। तो कैरी की स्कूलिंग डीपीएस फरीदाबाद से हुई। बचपन से ही कैरी का मन पढ़ने में नहीं लगता था और वो घंटों अपना टाइम गेम्स खेलने में बिता दिया करते थे। तो बात करते हैं कैरी के यूट्यूब करियर की। तो ये बात है 2010 की, जब कैरी 11 साल के थे। तो उनके दोस्त ने एक बार उनसे कहा कि भाई सुन, विंडो 2007 इंस्टॉल कर ले क्योंकि उसमें सारी गेम्स चलती है। फिर क्या था, कैरी ने अपने दोस्त की बात पे विश्वास करके विंडो 7 अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया और देखा तो हुआ कुछ नहीं, बट कैरी को विंडो 7 के न्यू फीचर्स काफी पसंद आए और इस तरह से अपना पहला वीडियो उस पर बना डाला और अपने YouTube चैनल जिसका नाम स्टील्थ फेयर्स था उस पर अपलोड कर लिया। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कैरी को फीलिंग आई कि यार बस अब तो YouTube में ही कुछ ना कुछ अपलोड करना ही है। अब कैरी अपने चैनल पे कभी फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो बनाते या फिर कुछ ट्यूटोरियल्स की, जो भी एक 11 साल के बच्चे से हो सकता था वो उन्होंने किया। बट इस चैनल में व्यूज बहुत ही कम हुआ करते थे। आखिर ऐसी वीडियो लोग देखे भी क्यों, क्योंकि इस तरह के ढेरों ट्यूटोरियल्स पहले से ही YouTube में मौजूद थे। और हाँ, वैसे भी ये चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, आप जाके देख सकते हैं। सो जस्ट सर्च स्टील्थ फेयर्स। खैर ये तो बस अजय का एक शौक भर था, बट धीरे धीरे अजय का ये शौक पैशन में बदलने लगा और वो YouTube के लिए सीरियस हो गए। और 15 साल की उम्र में आते ही अजय ने अपने न्यू गेमिंग चैनल 30 अक्टूबर 2014 को ओपन किया और चैनल का नाम रखा एडिक्टेड A1, जहां वो काउंटर स्ट्राइक खेला करते थे और साथ में गेम प्ले की कमेंट्री भी किया करते थे, वो भी सनी बाजी की आवाज में, तो कभी आयला ऋतिक की आवाज में। यानी कैरी ने विद इन 2 ईयर्स में काउंटर स्ट्राइक गेम प्ले के करीब 150 से ऊपर वीडियो बना डाली। बट इंडिया में उस टाइम काफी कम लोगों को गेम प्ले देखना पसंद था और कैरी के जितने भी 100-200 सब्सक्राइबर्स थे वो केवल कैरी की फनी कमेंट्री के लिए गेम प्ले देखा करते थे। इसलिए कैरी ने अब चैनल का नेम एडिक्टेड A1 से बदलकर कैरी देओल रख दिया और आफ्टर रीब्रांडिंग हिज चैनल कैरी ने अपनी सभी पुरानी और लो क्वालिटी वाली करीब 150 वीडियो प्राइवेट कर ली। अब कैरी ने गेमिंग रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी अजय अब गेम प्ले के साथ साथ छोटे आर्टिस्ट की रोस्टिंग भी करने लगे, जो कि काफी हद तक अमेरिकन यूट्यूबर लीफी इज हेयर के चैनल से इंस्पायर्ड था, क्योंकि लीफी भी रोस्टिंग विद गेम प्ले किया करते थे। बट इंडिया में ये पहली बार किसने ट्राई किया, यानी ये कॉन्टेंट लोगों को अब काफी पसंद आने लगा और चैनल अपने डिसेंट रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। फिर करीब 23 अप्रैल 2016 को कैरी ने विद न्यू लोगो एंड न्यू चैनल आर्ट से अपने चैनल कैरी देओल का नेम चेंज करके कैरी मिनाटी रख दिया और एक के बाद सभी क्रिंज सिंगर्स एंड डांसर की रोस्टिंग कर डाली। उन्हीं दिनों इंडिया में भुवन बाम, बेटर नोन एज बीबी की वाइंस, काफी पॉपुलर हो चुके थे। आई नो वो अभी भी फेमस है, बट किसी ने भी उस टाइम तक बीबी को रोस्ट नहीं किया था, बट ये डेयर करने की हिम्मत जुटाई कैरी मिनाटी ने और बीबी पे रोस्ट कर डाला और उसके बाद उनके चैनल में मानो सब्सक्राइबर्स की बाढ़ सी आ गई, क्योंकि कैरी की ये वीडियो विद इन 7 डेज में काफी वायरल हो चुकी थी। शुरू में तो बीबी के फैंस बीबी पे हुए रोस्ट वीडियो देखकर काफी भड़क गए और कैरी को बुरा भला कहने लगे, जो कि होना भी था क्योंकि इंडिया में उस समय कई लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर रोस्टिंग होती क्या है और कई लोगों के लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस भी था। बट इस वीडियो को बीबी ने खुद अप्रिशिएट किया, इसलिए कैरी को उस वीडियो पे हेट कम अब लव ज्यादा मिलने लगे, क्योंकि लोग अब समझ चुके थे कि रोस्टिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। बीबी की रोस्टिंग से पहले यानी 2014 से 2016 तक यानी 2 साल में कैरी के मात्र 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन बीबी की रोस्टिंग के बाद कैरी का चैनल इंडिया में अपने जोनरा में सबसे फास्टेस्ट सब्सक्राइबर्स गेन करने वाला चैनल बन चुका था। यानी एक दिन में 3,000-3,000 सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ से बढ़ रहा था कैरी का चैनल। यानी कैरी अब समझ चुके थे कि जनता आखिर क्या चाहती है और उसी महीने कैरी ने 7 और रोस्ट कर डाले जिसमें बीबी के अलावा परदेसी गर्ल भी शामिल थी। कैरी ने इसी दौरान अपने चैनल में एक और बदलाव किया, अब वो गेम प्ले रोस्टिंग न करके फेस कैम रोस्ट करने लगे, जहां वो अपने एक्सप्रेशन से सबकी रोस्टिंग करने लगे। अब कैरी के 12th के बोर्ड के एग्जाम भी काफी नजदीक थे, इकोनॉमिक्स का पेपर अगले दिन था और YouTube के चक्कर में साल भर कैरी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो एग्जाम से एक रात पहले अपने पापा के पास गए और कहा, पापा ये मुझसे नहीं होगा। और उनके पापा मुस्कुराए और बोले, चल ठीक है, कर ले तुझे जैसा करना है तू कर। फिर क्या था, 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद कैरी ने अपने रेगुलर स्कूल से ड्रॉप आउट लेके ओपन स्कूल को परस्यू किया और तब से अब तक YouTube को एज ए फुल टाइम करियर बनाया है। इसलिए फैमिली का सपोर्ट होना भी काफी जरूरी होता है आपके आगे बढ़ने में। बट वो कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए कांटों के रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। तो कैरी के चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने शुरू हो गए। 10 अगस्त 2016 को तो हद ही हो गई जब कैरी के चैनल पे एक साथ 3 स्ट्राइक्स आ गई थी। वो स्ट्राइक्स थी बाप ऑफ बगचोद एंड नेपाली सिंगर भीम नरूला की तरफ से, क्योंकि कैरी ने उनको रोस्ट किया था जो कि दोनों क्रिएटर्स को पसंद नहीं आए और दे डाली स्ट्राइक्स। बट अपने फैंस के प्यार और कैरी के जुगाड़ से सारी स्ट्राइक्स वापस ले ली गई और कैरी का चैनल टर्मिनेट होने से बच गया। बट सिलसिला कहाँ थमने वाला था बॉस। इसके बाद कैरी को स्ट्राइक आई बाबा सहगल की तरफ से, क्योंकि कैरी ने बाबा सहगल के सॉन्ग पे भी रोस्ट किया था और काफी थ्रेट्स भी आने स्टार्ट हो गए थे उनको अदर क्रिएटर्स की तरफ से।
यार इस नन्ही सी जान ने क्या क्या नहीं झेला है अब तक के अपने यूट्यूब करियर में। सो इन इंसिडेंट के बाद से ही कैरी अब विद परमिशन रोस्ट करते हैं। उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि रेस्ट इज हिस्ट्री। इस दौरान कैरी ने काफी लोगों का रोस्ट भी किया जो कि कैरी की वजह से आज खुद भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनमें से धिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा एंड दीपक कलाल, ना जाने कितने ही लोग कैरी की वजह से आज फेमस हो चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं कैरी की लव लाइफ के बारे में। तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि कैरी की गर्लफ्रेंड है या नहीं। ज्यादातर मामलों में कैरी मना ही करते हैं, बट उन दिनों कैरी ने जब परदेसी गर्ल पे रोस्ट किया था कि परदेसी गर्ल किस तरह से बीबी की वीडियोस पे रिएक्शन देके लाखों रुपीस कमा रही है, जिस पे अगेन परदेसी गर्ल ने खुद पे हुए रोस्ट पे रिएक्शन दे डाला। बट परदेसी गर्ल अपने पे हुए इस रोस्ट से ऑफेंड नहीं हुई, इवन शी अमेज्ड बाय कैरीज वर्क। और बाद में पता चला कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज भी शेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट दोनों ने इस बात को डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के बीच। सो टेक्निकली कैरी इज सिंगल नाउ। अब बात करते हैं फन फैक्ट्स अबाउट कैरी। जैसे बीबी अपने कैरेक्टर के लिए फेमस है, वैसे ही कैरी के भी दो तीन कैरेक्टर्स हैं। उनमें से एक है ताऊ और दूसरा है मुंडल। क्या मुंडल है मुंडल? और एक है मोहित, वो अभी तक दिखा नहीं है। और कैरी के चैनल का नेम कैरी देओल उसके दोस्त ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उस दिन वो कैरी के पीसी से गेम खेल रहा था और चैनल का नेम कैरी देओल कर दिया, जिसे बाद में कैरी ने ऑफिशियली चूज कर लिया। वैसे कैरी के चैनल को तीन लोग और मैनेज करते हैं, जिसमें उनके बिजनेस मैनेजिंग का काम अनिरुद्ध भाई संभालते हैं और अमन भाई सोशल मीडिया को। तो लक्ष्य कैरी के शूट की लोकेशन को देखते हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान कैरी ने बताया कि वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो किसी एक गेम को खेलना चाहते हैं तो चाहे उन्हें वो गेम खेलना आता हो या ना आता हो, वो उसे लगातार खेलने का ट्राई करते रहते हैं, चाहे कितना भी घंटा क्यों ना हो जाए। देख रहे हो लड़के का डेडिकेशन गेम के लिए। और हाँ, आज भी कैरी अपने दूसरे चैनल कैरीज लाइव में गेम स्ट्रीम और अपने फैन से इंटरेक्शन जरूर करते हैं। और हाँ, क्या आपको पता है कि रफ्तार का फेवरेट यूट्यूबर कौन है? कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कैरी से एक सीख तो जरूर मिलती है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ने का कोई चांस मिले तो उस मिले चांस को मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें कम से कम अपना 110% दे डालो, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी। और रही बात रोस्टिंग की, तो इंडिया में किसी को रोस्ट करना काफी टफ वर्क होता है, क्योंकि ना जाने दूसरा कब ऑफेंड हो जाए। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि कैरी किस्मत से आगे बढ़ा है, तो वो लोग गलत हैं। कैरी आज अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही आगे बढ़े हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से कैरी हर बार अपने वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स करते नजर आ रहे हैं, वो भी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि हाल ही में हुए पुलवामा हमले में शहीदों के परिवारों को मदद करने के लिए उन्होंने ही सबसे ज्यादा फंड रेज किया था, जिसकी सबने काफी तारीफ की थी। वैसे कैरी की सफलता के पीछे उनके परिवार वालों का भी काफी बड़ा हाथ है, जिन्होंने कैरी को वो करने दिया जो उन्हें बचपन से पसंद था। सो थैंक यू अंकल एंड आंटी, आपने अपने बेटे को समझा और उसे वो करने दिया जो वो चाहता था। तो चलो दोस्तों, आज कैरी के अंदाज में ही खत्म करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर नए हो तो उस लाल बटन पे चाहे पंखा मारो या एसी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ।